फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिस्किट केक। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाएंगे। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। तो आइए हम बिस्किट केक बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट। ये मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं। ये मैंने 25 मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं। फिर लिया है आधा कप पिसी हुई शक्कर, थोड़ी सी टूटी फूटी वनीला एसेंस, एक ग्लास दूध और इनो फ्रूट सॉल्ट। ये विदाउट फ्लेवर वाला लीजिए। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कुकर में नमक डाल के इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। नमक की जगह आप बालू रेत का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इन बिस्किट को तोड़ तोड़ के ग्राइंडर के अंदर डाल लेंगे। देखिए, मैंने सारे बिस्किट तोड़ के ग्राइंडर में डाल लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए, ये मैंने पीस लिया है बिस्किट को। अच्छे से इस तरह से पीस लीजिए। अब हम जिसमें हमें केक बनाना है उस टिन में घी डालकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों साइड से भी अच्छे से करिए। देखिए, मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक बाउल के अंदर जो हमने बिस्किट पीसे थे वो डाल लेंगे। फिर डालेंगे पिसी हुई चीनी। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए पहले। अब हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बैटर तैयार करना है हमें। अब हम इसमें और दूध डालेंगे। ये अभी और गाढ़ा है, हम इसमें दूध और डालेंगे। एक ग्लास दूध का यूज पूरा हो गया है इसमें। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का घोल आपको तैयार करना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। इससे क्या होगा, हमारे केक में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे इनो फूड सॉल्ट और डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है और तुरंत इसे बेक करने के लिए रखना है। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे टिन में डाल लूंगी। हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे कि बैटर अच्छे से सेट हो जाए और इस पे जो बची हुई टूटी फूटी थी वो डाल देंगे। देखिए, हमारा कुकर भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए अंदर रख देंगे। मैंने रख दिया है इसमें बेक होने के लिए। देखिए, अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन की सीटी आप जरूर निकाल लीजिए। अब इसे 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। देखिए, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा केक हुआ है कि नहीं। देखिए, हमारा केक अच्छी तरह से हो गया है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी नाइफ बिल्कुल साफ आई है, मीन्स हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम टिन से बाहर निकालेंगे। यदि हम इसे गरम गरम बाहर निकालेंगे तो ये टूट जाएगा बीच में से। अब हम केक को टिन में से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम इसको साइड से ऐसा निकाल देंगे। वैसे तो जब ये ठंडा हो जाता है तो अपने आप ही जगह छोड़ देता है। देखिए, अब हम उस पर एक प्लेट रख के इसको हटा देंगे और अच्छे से टेप कर देंगे। देखिए कितना अच्छा केक बना है हमारा स्पंजी। देखिए, अब हम इसको ढक के वापस से पलट लेंगे। देखिए, हम इसको काट लेंगे। अभी
देखिए कितना अच्छा स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। देखिए ये कितना अच्छा बिस्किट का केक बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और खाइए, और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स यू वॉचिंग माई वीडियो।